सो गाइज मैं आपको वही क्लिप दिखाऊंगा जिसमें हमारे बंदे के कैरेक्टर की स्किल ऑन होगी, जहाँ पे उसकी स्किल काम कर रही होगी वही सीन्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस बंदे का नाम क्या है, ओ लियोन। मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। इसको पहले लेवल अप करते हैं फटक से और फिर चलते हैं अपन ट्रेनिंग ग्राउंड में, ताकि हम इसकी एबिलिटी का टेस्ट कर सकें। हाँ गाइस, इसकी कुछ हिडन एबिलिटी है वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ बंदे की एबिलिटी क्या है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ बंदे को किल करने के बाद इसकी एचपी रिकवर होगी, नहीं। आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड वाला शॉट है ये देखिए, यहाँ से मैं जब नीचे गिर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी एचपी मेरी कम हो गई है। तो ध्यान से देखिए अभी इसकी एचपी कैसे, ये देखिए रिकवर हो गई। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बंदे को किल करने के बाद जो डैमेज आपको पड़ती है, मतलब दूसरा एनिमी आपको डैमेज देता है, वो डैमेज रिकवर तो होगी, लेकिन अगर आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिरते हो वो डैमेज आपको पड़ती है फॉल डैमेज, वो भी रिकवर होगी। मतलब कोई भी आपको डैमेज दे, कैसे भी आपकी एचपी कम हो, वो आपकी रिकवर हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता था तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और भाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे को डैमेज नहीं है लेकिन मैं किल कर रहा हूँ तो मुझे एचपी नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ पर मेरे पास एचपी नहीं है, किल करूं या ना करूं, मेरी एचपी को ये 25 एचपी दे देता है, मतलब ऐड कर देता है 25 एचपी। तो मतलब अगर आप इस कैरेक्टर को लेके खेलोगे तो आपको डैमेज पड़ती है तो आपको मिल जाएगी जल्दी, लेकिन ये नहीं कि तुरंत ही आपको डैमेज के बाद एचपी मिल जाएगी, आपको एचपी मिलेगी एक दो सेकंड के बाद। यहाँ पे देखिए बंदे को किल किया मैंने, उसने मुझे डैमेज दिया, लेकिन कितनी देर बाद मुझे एचपी मिली है। तो बस इसकी इतनी सी प्रॉब्लम है कि आपको किल करने के बाद या डैमेज पड़ने के बाद तुरंत ही एचपी नहीं मिलती है, थोड़ी देर बाद मिलती है।